और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 सीटें इस वक्त रुझानों में अपने पास पा ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बकायदा अपने घर से बाहर निकलकर समर्थकों को शुक्रिया अदा कर चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ मौजूद है और इनफैक्ट कुछ ही देर में हमें तस्वीरें मिलने लगेंगी। लेकिन सर, ये चर्चा इस वक्त अभी स्टूडियो में भी चल रही थी कि कुमारी शैलजा दलित चेहरा, दलित की राजनीति करते हुए केंद्र में रखते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, क्या हरियाणा को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के तौर पर मिल सकती है? आपकी क्या राय है? कांग्रेस के अंदर सब लोग जानते हैं हमारी एक बिल्कुल सेट प्रक्रिया है। विधानमंडल दल का गठन होगा, जैसे सब रुझान आ जाएंगे ना सब नतीजे आ जाएंगे और राय ले ली जाएगी और निष्कर्ष निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है, माननीय खड़गे जी को करना है, माननीय राहुल जी को करना है और सोनिया जी का मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में ये सब निर्णय, और सब उसको स्वीकार करेंगे, सब उसको स्वीकार करेंगे। और इस बात को हमारे सब नेता कह चुके हैं कि जो पार्टी लीडरशिप का निर्णय होगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावत जी, अभिज्ञान प्रकाश है हमारे साथ, ही आल्सो वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। अभिज्ञान जी, रावत जी आपका पुराना दोस्त अभिज्ञान प्रकाश बोल रहा हूं। जी नमस्कार, एक जल्दी से सवाल है, मैं कल पूछ ही लूंगा, आज मौका मिला, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। ये जो एकजुटता आपने हरियाणा में दिखाई, बड़े काबिले तारीफ है, नतीजा आया, ये कभी ट्राई करेंगे अगली बार उत्तराखंड में? सब जगह बीजेपी ने तो ठोक दिया आपका। देखिए, समय सबको सिखा देता है, समय नहीं, आपका तो हरियाणा में भी सिखाया है, इतनी उम्र और आज अभी तक समय नहीं सिखा पाया। उत्तराखंड में भी हमको सिखाया, हम लोग महसूस करते हैं उस बात को, और इसलिए इस समय हम भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ उत्तराखंड में सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। जीत का क्रेडिट आपकी राय में, जो रुझान आ रहे हैं उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, एक्चुअली लीडरशिप मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है। अब राहुल जी ने इतनी अभूतपूर्व यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, भूतो न भविष्यति, दुनिया के इतिहास में कोई इतनी बड़ी पदयात्रा अभी तक आयोजित नहीं हुई, और फिर मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा के नाम पे, तो ये सब चीज़ों ने जान डाली, एक नया 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 नई कांग्रेस, नया नेतृत्व सब दिखाई दिया लोगों को, और उसके कारण ये सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और उसका लाभ हरियाणा में भी मिला है। और फिर जो है, एक ऋषि के रूप में, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, अनुभवी व्यक्ति के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो छत्र छाया है, जो मार्गदर्शन है, और सोनिया जी का जो मार्गदर्शन है, वो हमारी शक्ति है, प्रेरणा है। पर हरीश जी, आप बहुत मंझे हुए नेता हैं, राजनीति के स्टूडेंट भी रहे हैं और राजनीति को बहुत अच्छे से करीब से आपने देखा भी है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बीजेपी की कुनीतियों की वजह से एक स्ट्रॉन्ग जीत कांग्रेस को आज की तारीख में दिख रही है, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके की आइडियोलॉजी और जिस तरीके का परसेप्शन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि दलितों की राजनीति जरूरी है और जो जो वो मांगे कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये उसकी जीत है? देखिए, विशुद्ध रूप में कोई भी पार्टी, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी, वैचारिक पार्टी, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पार्टी, कभी भी जो है केवल दूसरे के नेगेटिव, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कांग्रेस थी, वो कांग्रेस तो अलग थी, अब तो कांग्रेस आई हो गई उसके बाद, जब कांग्रेस इंदिरा हुई और कांग्रेस इंदिरा के बाद गांधी परिवार का वर्चस्व हो गया। देखिए, आपको देखने का तरीका हो सकता है, मेरे दोस्त, डीएनए नहीं बदलता, डीएनए वही डीएनए डीएनए तो बदल गया ना, डीएनए तो बदल गया, जब आप एक परिवार की पार्टी हो गए तो डीएनए तो तभी बदल गया। लेकिन फिर भी आज वो बहस का मुद्दा नहीं है, आज वो चर्चा का विषय नहीं है, इसमें मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिद्धांतिक रूप की बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर दे दूं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये सिद्धांतिक रूप की बात है। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ 20 सेकंड में अगर आप बात पूरी कर लें, उसके बाद पंकज बुला रहे हैं, कुछ बड़ी खबर, पंकज बस 20 सेकंड। हम पॉजिटिव के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी जी एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और उस नैरेटिव की तरफ देश और पॉजिटिव नैरेटिव की तरफ चुनाव ये लेके जाना चाहते हैं, उसकी तरफ चुनाव आगे हम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, आपको फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस को जो रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है,
बीजेपी का नंबर अब 23 से 25 हो गया है, कांग्रेस का नंबर 57-58 से 55 हो गया है, ये दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 7 चली गई है। अब पंकज क्या है बड़ी जानकारी रिजल्ट हब से? पंकज अमीश और रूबिका देखिए बिल्कुल लाइव रिजल्ट हब से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो बड़ा अपडेट यह है कि पूरी जान लगा के इस बार के चुनाव में उन्होंने चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था, इल्तिजा महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी लीड कर रही हैं, लीड कर रहे हैं, बिजबेहड़ा सीट है अनंतनाग की, वहां से लीड कर रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर। जी जी, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती लीड कर रही है, लेकिन इस वक्त जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं जश्न का माहौल इस वक्त कांग्रेस के लिए। देखिए मेरी मौजूदगी एक ऐसे शख्सियत के घर पर है जिसने दो दिन पहले ये कहा था कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मेरी मौजूदगी अनिल विज के घर पर है, अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ बैठे थे, बहुत सारी अनौपचारिक बातचीत उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार वो आते हैं और फिर बात करेंगे। देखिए 9:15 का वक्त लगभग हो रहा है और तस्वीर हरियाणा की कम से कम अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अनिल विज का रिएक्शन न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा, आपसे थोड़ी देर बाद वो जुड़ेंगे। लेकिन अनिल विज वो रहे हैं जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका था, ऐसा बीजेपी में बहुत कम देखने को मिलता है, कोई खुद से ही अपने नाम की दावेदारी पेश कर दे, तो ऐसे में अनिल विज की सीट त्रिकोणीय मुकाबला है, देख सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। अभी हकीकत ये बता रही है कि हरियाणा में 90 सीटों के रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है प्रचंड और पूर्ण बहुमत के साथ। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रोहन आप तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, हरियाणा से भी, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 27 सीटें, पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इन्होंने थोड़े महीने पहले ही छोड़ा है कांग्रेस को, तो आज आपको रोहन गुप्ता लग रहा है काहे बीजेपी में आ गए, अब तो कांग्रेस के दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन, अच्छे दिन। बिल्कुल नहीं, देखिए अच्छे दिन, देखिए हर आदमी की ये सोच नहीं होती, आप दोनों लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जहाँ वैचारिक बातें आती है, जहाँ कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते और वहीं पे आप एक डिसीजन लेते हैं, तो अच्छे दिन बिल्कुल रहेंगे और देश के अच्छे दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे अच्छे दिन तो देश के पीछे ही है। तो पहली बात है कि दोनों राज्यों में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी तो लोकतंत्र की जीत है वहाँ पे। आज सरकार ने जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 370 हटाया और 70% जैसे ऑलमोस्ट वोटिंग हुआ है, यही तो लोकतंत्र की जीत है। और यही कहा जाता है कि सबसे पहले देश, यही भाजपा ने करके दिखाया कि जो स्टेट में 10% वोट में सरकारें चुनी जाती थी, आज 70% वोट हो रहा है, वो किसके कारण हुआ? सरकार की नीतियों के कारण हुआ। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब देश की बात आए सबको मिलकर एक ही सुर में बात करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए। आप चाहे 2024 के चुनावों की बात कर लीजिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों की बात कर लीजिए, आप लोग ये कहते हैं कि हमने सारी तस्वीर को बदल कर रख दिया, और मैं क्यों झूठ कहूं कि बहुत हद तक जम्मू कश्मीर में तो ये बात सच में साबित होती है, हरियाणा में भले ही इस पर सवाल किए जा सकते हैं कि अग्निवीर की योजना लोगों को वहां जमीन पर पसंद आ रही है। मैं रोकना चाहूंगा, आप देखिए बीजेपी का नंबर अब हरियाणा में बढ़ता हुआ 26 की तरफ जा रहा है, कांग्रेस 54 की तरफ आ रही है, यानी अब क्योंकि हमें 9:30 तक थोड़ी पिक्चर क्लियर मिलनी शुरू होगी और फिर 10:30 के आसपास और क्लियर पिक्चर मिलेगी, यानी जी तो बहुत 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 बड़ा गैप है, गैप में कोई, लेकिन बीजेपी जो जैसा जैसा दिख रहा था, अभिज्ञान से मेरी बात हो रही थी कि क्या बीजेपी अंडर 20 आ पाएगी, आएगी, या अगर 120 आती तो बड़ा सेटबैक रहता है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था उतना खराब प्रदर्शन बीजेपी फिलहाल करती हुई नहीं दिख रही। अच्छा 98 से हरियाणा को देख रहा हो तो जो बीजेपी के संगठन ने काम करके उसको जितवाया 10 साल पहले, और कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं सिफोलॉजी में नहीं घुसूंगा, लेकिन पॉकेट्स श्योरली बीजेपी ने अपने ऐसे बनाए, संगठन में बहुत काम होता है बीजेपी की, आप उससे छीन नहीं सकते, कोई दो राय नहीं। तो बीजेपी की आप कई हार ऐसी देखेंगे जहां वो एकदम माइनस में नहीं गिरती है, वो होल्ड करती है। मध्य प्रदेश बड़ा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव के हारे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ऐसा लगेगा कि वाइप ऑफ हो गई, या रीजनल पार्टी कोई होगी तो एकदम से टॉप पे होगी और यू टर्न हो जाएगा। बीजेपी की एक खासियत है कि वो होल्ड ऑन करती है, ये 28 और मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर, मेरे जो सोर्सेस कह रहे हैं इस समय, जो कि लगातार जानकारियां स्क्रीन से ग्राउंड पर आ रही है, ग्राउंड पर बीजेपी टफ कॉम्पिटिशन दे रही है, खासतौर पर कांग्रेस को कई जगह पर, खासतौर पर
जेजेपी और आईएनएलडी को कई जगह पर अमीश जो कह रहे हैं कि टैली किस तरीके से लगातार बदलती हुई नजर आ रही है, इंटरेस्टिंग है। और 58 से 52 कांग्रेस आई है और बीजेपी आप देखिए 6 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का गैप, कांग्रेस और बीजेपी में गैप बहुत बड़ा है। लेकिन अगर ये डिफीट होती भी है बीजेपी की, डिबैकल नहीं इसको कह सकते, रिस्पेक्टेबल डिफीट होगी अगर यही नंबर्स आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं रूबी का बार बार कह रहे हैं, ये रुझान है, रुझान पल पल बदल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ट्यून इन करके रखिए। मतलब लेकिन आरएसएस तो पहले दूसरे राउंड की भी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत शांत हो आरएसएस फैक्टर। बहुत बहुत अच्छा, एक सवाल रूबिका ने बहुत अच्छा पूछा था, उसको मैं एक्सपैंड करूंगा बाद में, बट आरएसएस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार आप क्या चाह रहा है आरएसएस आरएसएस देखिए मैं तो सारे आरएसएस की अभी की रीडिंग जो है, जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं, और जो होता है राजनीति में वो दिखता नहीं जी, तो इसलिए मैं तो सिर्फ मोहन भागवत के एक शब्द के आसपास आरएसएस को सोचूंगा। पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं संघ के, मनोहर लाल खट्टर जिनको हटाया गया, ठीक है पब्लिक फेस नहीं थे लेकिन संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। तो संघ की इस वक्त सोच ये होगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि अगर ये सबक राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो जनता दे रही है ना सबक, आरएसएस तो नहीं दे रही है, तो आगे के लिए फिर आप फ्यूचर लीडरशिप और रीस्ट्रैटेजी। क्या मैं आपका रुख करूंगी, एक बार दर्शकों को बता दूं कि बड़ी खबर आप जान लीजिए, हरियाणा के उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहा है बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र के जो बेटे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जाट 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 के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, बल्लभगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी अपना ग्राउंड कहीं ना कहीं होल्ड कर पा रही है। गोपाल कांडा आगे बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। रुझानों में आगे चल रही है, हरियाणा के नांगल चौधरी से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, और कांग्रेस में देखिए किस तरीके का जोश आपको दिखाई दे रहा है, जमकर वहां पर बुजुर्गों के, जवान के, बच्चे नारेबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख कर सकते हैं। नीरज, अब कांग्रेस की लीड जो है वो 50-51 होती हुई, बीजेपी 29-30 के बीच में घूमती हुई, क्या कह रहे हैं? देखिए वहाँ लीड ऊपर नीचे हो रहा है अमीश, लेकिन यहाँ जो समर्थक है उनके उत्साह में कोई कमी नहीं हो रही। और यहाँ आपको दिखाते हैं, ये दरवाजा तभी खुलेगा, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तभी निकलेंगे। क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, जीत जाएंगे, आपके साहब मुख्यमंत्री बनेंगे जनाब। कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर है, एक तरफा है, कब निकलेंगे साहब आप तो साथ में? अभी निकलेंगे, 10-20 मिनट में निकलेंगे। देखिए ये दरवाजा अमीश आपको दिखाते हैं, ये दरवाजा, यहाँ कैमरा लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली झलक पाने के लिए, आज की पहली झलक पाने के लिए इंतजार कर रही है। समर्थकों में कोई उत्साह नहीं कम हुआ है, आप बताइए ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है तो ये ऊपर नीचे नीचे जाएगा या और ऊपर होगा? फिर और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 101% 1000% कांग्रेस की सरकार बन रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में। हरियाणा के अंदर एक आंधी चली हुई है कांग्रेस की, बीजेपी कहीं नहीं है। जो 10 साल का कुशासन बीजेपी का था उसको फाड़ पाया क्या जनता ने, ये जनता का चुनाव है। आप क्या कहें? जहाँ तक उम्मीद है 75 पार। देखिए 75 पार है लेकिन 50 के आसपास कांग्रेस आई है, 75 पार की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। नीरज नीरज कार्यकर्ताओं का उत्साह लाजमी है, वो 90-90 भी बोल सकते हैं लेकिन 75 पार की स्थिति नहीं दिख रही। 30-50 रूपी का 30-50 ये नंबर अपने आप में इंटरेस्टिंग है। बीजेपी कमबैक करती हुई हरियाणा के अंदर, बीजेपी कमबैक करती हुई लेकिन अभी भी पीछे है। मिली थी पिछली बार बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, 10 सीटें उससे कम है भारतीय जनता पार्टी। 10 साल के शासन के बाद 30 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है कांग्रेस 50 सीटों पर। क्या आरएसएस वेक्टर काम किया है? क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने नीचे ग्राउंड पे मेहनत करी है उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ये अपने आप में बहुत बड़ा कमबैक है बीजेपी का। बीते 30 मिनट के अंदर बीजेपी ने
बहुत बड़ा कमबैक किया है। यहां पे 7 सीटों का गेन और उधर 7-8 सीटों का नुकसान। अन्ने के खाते में उतनी ही है, 7-6 से 7। INLD के खाते में 3 है। यह नंबर इंटरेस्टिंग होता हुआ, लेकिन अमीश अभी भी 20 सीटों का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस और बहुत बड़ा गैप है। और ये देखिए 49 पर चली गई है कांग्रेस, 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई यहाँ हरियाणा में दिखाई दे रही है। लेकिन गैप बहुत बड़ा है, लेकिन मेजोरिटी पार है कांग्रेस अभी भी।